इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिल्कुल ऐसी है जैसे आपकी ज़मीन और आपका घर। ना तो आप दूसरे की ज़मीन हथिया सकते और ना ही उसे ले सकते, पर आपके पड़ोसियों में कुछ पड़ोसी ऐसे होंगे जो अमीर होंगे और कुछ पड़ोसी ऐसे होंगे जो गरीब होंगे, कुछ मीडियम वर्ग के भी होंगे और कुछ पड़ोसी ऐसे होंगे जो दूसरों से मांग कर भी गुजारा करते होंगे। कुछ पड़ोसियों का के पास पैसा कम रहता होगा। उसी प्रकार से होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी जियोपॉलिटिक्स में भी कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ देश मीडियम साइज में हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो प्रगतिशील कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज हम इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप ऐसे हैं जैसे जय और बीरू की जोड़ी। पहले तो जब 1947 में अपना भारत देश आज़ाद हुआ था तब फ्रांस इंडिया पर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि फ्रांस को यह जरूर था कि उसे हिंद महासागर में पकड़ चाहिए, पर वह ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा मदद करता था। क्योंकि हिंद महासागर के आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया देश भी बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के रिश्ते पहले बहुत मजबूत थे, पर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन और अमेरिका के ज़्यादा पास जाने लगा, इसलिए फ्रांस ने इंडिया का रूप अपना लिया। फ्रांस की दोस्ती के साथ इंडिया को दो फायदे हुए हैं। देखिए, पहला तो यूरोप में उसकी पकड़ बन गई है, और दूसरी हिंद महासागर के नीचे जो छोटे छोटे आइलैंड हैं वो अभी भी फ्रांस के पास हैं, उससे इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट मिल जाता है। देखिए, यूरोप में एक यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन में एक ऐसी शक्ति है कि यदि यूरोपीय यूनियन का मतलब है कि यूरोप के एक देश में जाने के बाद आप दूसरे देश में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। बस उसी का माध्यम पहले इंडिया भी ब्रिटेन को बनाया था, पर जब से ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है तब से इंडिया ने फ्रांस के ऊपर रुचि दिखाई है और फ्रांस ने इंडिया के ऊपर। ये कहिए कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर रुचि दिखा करके एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं। इंडिया और फ्रांस की दोस्ती पहली बार 1998 में खास कर देखी गई थी, जब कारगिल युद्ध के समय फ्रांस ने इंडिया को अमेरिका के मना करने के बावजूद वेपन उपलब्ध कराए थे, और उसी कड़ी में फ्रांस ने अभी राफेल जैसी डील दे करके इंडिया के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत किया है। पर फ्रांस एक ऐसा दोस्त है जो जय और बीरू की तरह काम करता है। फ्रांस की सबसे आधुनिक तकनीकों में से है पनडुब्बियां यानी सबमरीन बनाने में फ्रांस बहुत आगे है। बस उसी का फायदा इंडिया भी ले रहा है। इंडिया भी फ्रांस के माध्यम से आज कई सेक्टर में गगनयान में भी फ्रांस ही शामिल है, और फ्रांस अगली पनडुब्बी जो बनाई जा रही है उसमें भी फ्रांसी का नाम है। राफेल जैसे फाइटर जेट फ्रांस से लिए गए हैं, और फ्रांस ने हाल ही में यह भी घोषणा की है कि भारत के साथ मिलकर के मैं किसी भी मिलिट्री संबंध करने के लिए तैयार हूँ। और देखिए, हाल ही में फ्रांस की जनता एंटी नाटो भी प्रोटेस्ट कर रही है। वह यह बोल रही है कि इंडिया जैसी नीतियों का पालन करो, जैसे इंडिया रूस और अमेरिका दोनों को कंट्रोल करके चलता है, वैसे ही फ्रांस की जनता कह रही है कि आप भी रूस और अमेरिका को कंट्रोल करके चलो। इसीलिए नाटो के पक्ष में ज्यादा ना आकर के फ्रांस भी इंडिया जैसी पीस डिप्लोमेसी और डायलॉग का पालन कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि इमैनुअल मैक्रोन ट्विटर पे वी डोंट वांट टू वर्ल्ड वार इस तरह के ट्वीट भी करते हुए वायरल हुए हैं। इनका मतलब यह है कि इमैनुअल मैक्रोन भी न्यूट्रल रहना चाहते हैं। जय हिंद।